हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इजी मिठाई की रेसिपी। वीडियो को पूरा देखिएगा, रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। बर्फी बनाने के लिए ये मैंने 2 कप बेसन लिया है। अब गैस में एक पैन रख देंगे या कोई कढ़ाई रख दीजिए, और गैस को लो फ्लेम में कर लेंगे। अभी बेसन को इसी में डाल लेते हैं। अब इसको 1 मिनट अभी ऐसे भून लेंगे बिना घी डाले। उसके बाद घी डालते हैं। 1 मिनट हो गए हैं, अब इसमें घी डाल लेते हैं। ये देसी घी है, ये जिस कप से मैंने बेसन नापा था उसी कप से, 1 कप से थोड़ा सा कम है, देखिए इतना मैंने घी लिया है। अब इसको इसी में डाल लेंगे। अब इसको भूनते रहेंगे, बराबर हाथ चलाते रहेंगे जिससे जलने ना पाए और अच्छे से भून जाए। इसको तब तक भूनना है जब तक अच्छे से खुशबू ना आने लगे। ये घी अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए अभी गाढ़ा हो गया है, लेकिन जब अच्छे से भून जाएगा तो फिर से गीला हो जाएगा। अब इसको हाथ बराबर चलाते रहिए और गैस को लो मीडियम फ्लेम में कर लीजिए। जलने न पाए इसको दबा दबा के अच्छे से भून लेना है। अभी बेसन को भूनते 5 मिनट हुए हैं, देखिए घी छोड़ने लगा है, थोड़ा थोड़ा गीला होने लगा है। इसको भूनने में 7 से 8 मिनट लग जाता है। अभी और एकदम गीला हो जाएगा जब अच्छी तरह भून जाएगा। अभी अच्छे से भून गया है, देखिए एकदम गीला हो गया है ये। अब इसमें थोड़ा सा कलर डाल लेते हैं। ये थोड़ा सा 1 स्पून पानी ले लेंगे। अब इसमें 2 पिंच फूड कलर डाल देंगे। इसको ऐसे थोड़ा सा घोल लेते हैं, ऐसे में डाल देते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए 1 स्पून पानी पड़ा, तो थोड़ा बेसन फूलने लगा और दानेदार बन जाएगा ये। इस समय गैस को ऑफ कर देते हैं क्योंकि ये पहले से गर्म है पैन, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कलर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल लेंगे, 1/4 स्पून है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। गैस को अब ऑफ रखेंगे, अभी ये गर्म ही है। अब गर्म में ही चीनी डाल देंगे, और इसमें 1 कप चीनी डाल लेंगे, ये पिसी हुई चीनी है, इसको डाल लेते हैं। चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी चीनी मिक्स हो गई है, अब इसको प्लेट में फैला लेते हैं। ये मैंने केक टिन ले लिया है, अब इसको घी से ग्रीस कर लेते हैं। आप चाहें तो कोई थाली या प्लेट या ट्रे किसी चीज में भी फैला सकते हैं। अभी बर्फी को इसी में फैला देते हैं। अब इसको अच्छे से फैला के सेट कर देंगे। अभी अच्छे से फैल गया है, अब इसमें थोड़ा सा ही पिस्ता के कतरन डाल देते हैं। आप चाहें तो बादाम, काजू और कुछ भी डाल सकते हैं। अभी जो पिस्ता मैंने डाला है ना, थोड़ा थोड़ा दबा देते हैं इसको, जो अच्छे से सेट हो जाए। जब काटेंगे बर्फी को ना तो निकले नहीं। अभी अच्छे से सेट हो गई बर्फी, अब इसको थोड़ा सा हिला देते हैं। अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए पंखे की हवा में छोड़ दीजिए, तो ये अच्छे से जम जाएगी। या फिर जल्दी है तो आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। मैं इसको फ्रिज में रखूंगी, फिर आधे घंटे बाद देखते हैं। आधे घंटे हो गए हैं, मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाल लिया है, ये अच्छे से जम गया है। अब ये मेरा केक टिन है तो खुल जाता है, थाली में है तो इसी में काट लीजिए। अब इसको इसके पीस काट लेंगे। आप इसके अपने मनपसंद पीस काट सकते हैं, जैसे चौकोर ऐसे करके काट लीजिए, या जैसा भी शेप देना चाहें आप। मैं इसको कुकी कटर से काटूंगी, गोल गोल काटूंगी बर्फी को। सबसे बीच में रखेंगे इसको, इसको दबा देंगे ऐसे करके। ये देखिए गोल गोल निकल आया ऐसे। अभी सारे पीस कट गए हैं, अब इनको इसमें रख लेते हैं प्लेट में। अब आप सोच रहे हैं इसका क्या करेंगे, इसका हम बताते हैं। इसका लड्डू बना लेते हैं। इसको बड़े बर्तन में डाल लेंगे। इसको मैंने थाली में डाल लिया है, अब इसको अच्छे से मसल करके इसका लड्डू बना लेते हैं। अगर आप चौकोर चौकोर काटेंगे तो ये नहीं बचेगा, और अगर आपके पास कुकी कटर ना हो तो किसी ढक्कन से आप काट सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से मसल लेंगे, जिससे अच्छे से चिकने लड्डू बन जाए। अभी अच्छे से मसल गया है, अब इसे एक छोटा पीस उठाएंगे, जितना बड़ा लड्डू आपको बनाना हो ऐसे गोल कर देंगे। ये देखिए इसी तरह सारे बना लेना है। ये बर्फी और लड्डू बनके तैयार है, बहुत टेस्टी लगेगा। मैं इसको एक तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत सॉफ्ट है, मुंह में घुल जाने वाली बनी है। ये देखिए तुरंत टूट रही है,
कोई बूढ़े भी खा ले एकदम, और बहुत कम समय में बन जाती है। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।